डीबी की लोकेशन को सबसे पहले सिंगल लाइन डायग्राम बनाते समय स्टेप जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 5 सिंगल लाइन डायग्राम, SLD मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा सिंगल लाइन डायग्राम। और प्लान जो हम लोगों ने बनाया इसके पहले स्टेप 4 था आपका प्लान, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक वीडियो में बता दिया था आपको कौन कौन से स्टेप कैसे आते हैं, इसीलिए यहाँ पर नहीं बताया, फिर भी बता दे रहा हूँ सिंगल लाइन डायग्राम। अब देखिए सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब होता है कैसे कैसे तार कितना कैसे दौड़ाया गया है, इसको दिखाते हैं यहाँ पर। तो ये DB की लोकेशन हो गई, और DB से जितनी जितनी दूरी पर स्विच बोर्ड 1 स्विच बोर्ड 2 3 4 रहता है उसको दिखाते हैं। अब आपको मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये मान लो ग्राउंड लेवल है आपका, तो ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है 1.5 मीटर। और आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल रन की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 3.5 मीटर होती है। तो हॉरिजॉन्टल रन को चलाने के लिए 1.5 मीटर ये और 2 मीटर ये, तब ना जाके 3.5 मीटर का एरिया कवर होगा। तो ये 2 मीटर क्या होता है, ऊपर हम लोग चलते हैं, और उसके बाद जिधर भी जाना हो, स्विच बोर्ड 1 की तरफ जाना हो या स्विच बोर्ड 2 की तरफ जाना हो, हम दौड़ेंगे, मतलब कि रन किया जाएगा। स्विच बोर्ड 1 की तरफ चलते हैं तो ये हो गया, इसे थोड़ी सी दूरी पर स्विच बोर्ड 1 क्या कर देंगे, हम यहाँ पर स्थापित कर देंगे। चूँकि स्विच बोर्ड की ऊँचाई जो होती है, स्विच बोर्डों की जो ऊँचाई होती है वो फर्श से कितनी होती है, 1.25 मीटर होती है, फर्श से 1.25 मीटर, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 2.25 मीटर होगा, 2.25 मीटर, तो थोड़ा इससे नीचे होता है स्विच बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। अब स्विच बोर्ड 1 को हमने जब लोकेशन यहाँ पर दिखा दिया, अब स्विच बोर्ड 2 की लोकेशन दिखा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से दूसरी साइड में है आपका स्विच बोर्ड 2। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि प्लान जितना आसान बनाया गया रहता है, सिंगल लाइन डायग्राम भी उतना ही ईजी बनता है, जितना कॉम्प्लिकेटेड प्लान बनाएंगे उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसका सिंगल लाइन डायग्राम हो जाता है। तो सारा दिमाग लगाना होता है आपका किस में, प्लान बनाने में ही। प्लान अगर बन गया तो सिंगल लाइन डायग्राम में कुछ नहीं रखा। स्विच बोर्ड 2 दिखा दिया, अब यहाँ पर जो उपकरण है उसको दिखाते हैं। स्विच बोर्ड 1 की पहले इस सर्किट की हम वायरिंग कर लें। स्विच बोर्ड 1 में, स्विच बोर्ड 1 के ठीक ऊपर बल्ब लगाया गया है, बल्ब दिखा दीजिए। अब बल्ब से ही कनेक्शन करके किसको दिया गया है, पंखे को दिया गया, पंखा दिखा दीजिए, ठीक है। और थोड़ी सी दूरी चलने पर ये जो भी जितना भी दूरी होगा दूसरा बल्ब है, तो उस दूरी को हम यहाँ चल देते हैं। उसके ऊपर भी एक क्या है, फैन है। पहले क्या करिएगा आप लोग, ये जो प्लान हमने बनाया है शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, जो प्लान पीछे बड़ा वाला करके बनाएंगे उसको रफ पे नोट कर लेना, और उस चीज को यहां पे मैच कराना, ठीक है, तब समझ में आएगा। और इससे अब अगले बल्ब पे चलते हैं, मतलब आगे बढ़ते चले जाना है। अगला बल्ब हो गया, उसके बाद फिर अगला बल्ब हो गया, फिर उसके बाद एक अगला बल्ब, ठीक, टोटल 5 बल्ब लगने ही हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। और सबके ऊपर एक एक फैन है, तो फैन हमने क्या कर दिया, यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है ना। सबकी हाइट एक समान रखिएगा, इवन सिंगल लाइन डायग्राम में भी। अब एक सर्किट हमारा क्या हो चुका है जी, कंप्लीट। स्विच बोर्ड 2 है, इधर आते हैं सर्किट 2 में। स्विच बोर्ड 2 के ऊपर ठीक ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब दिखा दिया, और बल्ब के ठीक ऊपर क्या दिखा दिया हमने, पंखा दिखा दिया, ठीक। अब यहाँ से देखिए स्विच बोर्ड 2 से और इस बल्ब को सप्लाई दे रहे हैं हम, इसके दूसरे बल्ब को यहाँ से सप्लाई दे दीजिए, इस बल्ब को सप्लाई दे दीजिए, इस पर पंखा नहीं है। इसे थोड़ी सी दूरी चलने पर एक बल्ब और है, इसमें भी पंखा नहीं है, लेकिन इसके बीच में से ही क्या किया दिया गया, पंखे को कनेक्शन दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, स्विच बोर्ड 2 और पहले बल्ब, ये बल्ब को छोड़ दीजिए जो आगे चल रहे हैं क्षैतिज वाला, इसके बीच में से ही कनेक्शन करके किसको दिया गया है, स्विच बोर्ड 3 को। यानी कि ये जो आपका स्विच बोर्ड 2 का पहला बल्ब है और दूसरे बल्ब, पहले और दूसरे बल्ब के बीच में से किसको कनेक्शन दिया, स्विच बोर्ड 3 को कनेक्शन दिया गया है। ये ग्राउंड लेवल है, इसको हमको समझना नहीं, बस समझाने के लिए मैं बताते, इसको मिटा देते हैं आपको। अब यहाँ से स्विच बोर्ड 3 को कनेक्शन किया बीच में से ही, तो कुछ दूरी पर से यहाँ से क्या किया गया होगा, कनेक्शन दिया गया होगा ना। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बाएं दाएं दिखाने का अब जगह है नहीं, क्षैतिज रन को बाएं या दाएं ही दिखाया जाएगा, तो यहाँ जगह नहीं होने के कारण क्या करते हैं ना, डॉटेड लाइन करके इधर निकाल लेते हैं। इधर निकालने का मतलब ये होता है कि ये मत समझिए डॉटेड लाइन का कैलकुलेशन नहीं होगा, लेकिन केवल डॉटेड लाइन यह रिप्रेजेंट करती है कि जो सप्लाई निकाली गई है अगले बोर्ड को दे जाने के लिए, यहीं से क्या की गई है, निकाली गई है। तो आप चाहे तो नीचे या फिर चाहे तो ऊपर, जिधर भी आपके ड्राइंग शीट पर जगह होगी उधर क्या करेंगे, डॉटेड करके निकाल लेंगे। अब दोनों के बीच में से अब यही सप्लाई यहाँ से निकाल के यहाँ बोर्ड लगाया गया रहता, तो यहाँ से क्या करते हैं, हम निकालते हैं, इस बल्ब के बाद निकाला जाता, लेकिन जहाँ से निकली जाती है वहीं से निकालते हैं। जितना ये दूरी होगा उतना काउंट भी करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिए। अब ये निकाला तो स्विच बोर्ड 3 में कनेक्शन दे दिया गया। तो अब यहाँ से निकालने के बाद थोड़ा दूरी चला है ना, तो थोड़ी दूरी को दिखाने के लिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, दिखाते हैं हॉरिजॉन्टली। अब ये स्विच बोर्ड आपका क्या हो गया, 3 हो गया। स्विच बोर्ड 3 में थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक बल्ब है,
बल्ब के ठीक ऊपर क्या लगा है, पंखा लगा हुआ है। इस बल्ब के ठीक बाद एक फिर बल्ब है। अभी यहाँ पर और चीज़ ध्यान दीजिए, इसी सर्किट का अगला भाग है स्विच बोर्ड फोर। स्विच बोर्ड फोर को सप्लाई कहाँ से गई, इस बल्ब से इसको दी गई है ऐसे। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगले बोर्ड को जब कनेक्शन दिया तो हमने डॉटेड करके दिखाया, यहाँ पर हम बिना डॉटेड करके भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्विच बोर्ड क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। अब बल्ब थोड़ा सा दूरी पर चल के इस तरह से लगाया गया है। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखें इधर जगह था तो जगह होने के कारण हमने क्या कर दिया, यहीं पर रिप्रेजेंट कर दिया। अगर इधर जगह नहीं रहती तो उस स्थिति में आप यहाँ से क्या करते हैं, डॉटेड करके और इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये इसमें एक और बल्ब लगाना होता है यहाँ पर ऐसे बल्ब, और ये बोर्ड यहाँ ना लगा करके हमने यहाँ लगाया रहता, यानी कनेक्शन इसको यहाँ से देते हैं, तो पहले और दूसरे बल्ब के बीच में यहाँ से अगर कनेक्शन दिया जाता तो फिर ये डॉटेड करके स्विच बोर्ड क्या कर देते, सॉरी यहाँ से ये होता ना, तो यहाँ से डॉटेड करके इसको निकाला जाता सप्लाई। लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं तो हम यहाँ पर जगह होने के कारण इस तरह से क्या कर सकते हैं, दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगल लाइन डायग्राम। बट दिस इज नॉट फिनिश, इट्स ओनली स्टार्टिंग। अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी सिंगल लाइन डायग्राम बनाते क्यों हैं, क्योंकि हम दूरी को क्या कर सकें, दिखा सकें, इस पर तार की संख्या को दिखा सकें। तो अभी तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाया है, अभी तो दूरी दिखानी बाकी है। तो पहले दूरी दिखा लेते हैं फटाफट, फिर तारों की संख्या दिखा देंगे आपको। ध्यान दीजिए, अभी हमने दिखाया कि 1.5 मीटर ये डिस्टेंस होती है, तो 2 मीटर ये बच जाएगी, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2.25 मीटर, ठीक है, 2.25 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी 2 मीटर, ये भी 2.25 मीटर हो जाएगी। ये थोड़ा सा लंबा बनाइएगा आप लोग यहाँ पर, ताकि ये 2.25 मीटर इस 2.25 मीटर में कोई अंतर न रहे। ये दूरी तो हमने दिखा दी, अब हॉरिजॉन्टली दूरी क्या कीजिए, काउंट कीजिए, ठीक है। स्विच डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड वन के बीच की दूरी टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी है आपकी 16 मीटर, ठीक है। अब इवेंट डिस्टेंस में इसको क्या करना है, क्लासिफाइड करना है आपको। अब देखो यहाँ से क्या होता है कि दरवाज़ा 1 मीटर का माना जाता है, बड़े रूमों का दरवाज़ा 1 मीटर का, वाशरूम का दरवाज़ा 0.5 मीटर का माना जाता है। तो यहाँ से जब दूरी मानेंगे तो मान लो कि 8 मीटर ये होगी, बीच में हमने बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया 8 मीटर पर, इधर 8 मीटर पर, क्लियर है ना बात। तो 8 मीटर के बीच में एक बल्ब लगाएंगे 4 मीटर पे, इधर से मतलब कहने का यह है कि इधर से 4 मीटर छोड़ देंगे तो ये पहला बोर्ड आ जाएगा, इधर से 4 मीटर छोड़ेंगे तो बिल्कुल बीच में हमने क्या कर दिया है, बोर्ड लगा दिया। तो 4 मीटर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पहले बल्ब के बीच की दूरी 4 मीटर, और दूसरे बल्ब के बीच की भी दूरी क्या हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी, यानी यहाँ से दूरी कितनी हो गई, 4 मीटर। स्विच बोर्ड 2 के बीच की भी दूरी कितनी हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, 4 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हो गया आपका, इधर से पहले दूरी काउंट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है, 4 मीटर कवर कर लिया, बचा कितना, 4 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस है आपकी कितनी, 10 मीटर। तो 10 मीटर है तो यहाँ पे 3 मीटर पे एक बल्ब लगा दीजिए, बीच में 4 मीटर का गैप कर दीजिए, फिर 3 मीटर का गैप कर दीजिए, या फिर चाहें तो आप 4 मीटर इधर गैप, 4 मीटर इधर गैप, बीच में 2 मीटर का गैप, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हम 3 मीटर ही मान लेते हैं, तो 3 मीटर ये और 4 मीटर ये कितना हो जाएगा, 7 मीटर। स्विच बोर्ड 1 से पहले बल्ब के बीच की दूरी इसकी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। पहले बल्ब से ये दूसरा बल्ब है, क्योंकि पहले बल्ब की डिस्टेंस काउंट नहीं होगी क्योंकि स्विच बोर्ड के ठीक ऊपर लगाया गया, ठीक ना। इससे इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर छोड़ा था, 4 मीटर ये, 3 मीटर ये, टोटल की डिस्टेंस आई 10 मीटर, तो 4 मीटर हो जाएगी इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी हो जाएगी आपकी 3 मीटर, इसके और इसके बीच की दूरी जो हो जाएगी, अब देखो आप 16 मीटर है टोटल, बीच बीच में लगाएंगे तो यहाँ से क्या करना है आपको कि बीच में जब लगाया जाएगा तो इधर से छोड़ा था कितना, 4 मीटर, तो 4 मीटर छोड़ के पहला बल्ब लगाएंगे ये वाला, एक कुछ मिस हो रहा गया, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक तो है, और यहाँ से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दूरी तो है इस बल्ब से, इसके बीच की दूरी 3 ही मीटर नहीं होगी, 3 मीटर ये, 4 मीटर इधर चलेंगे ना, क्योंकि इसके ठीक सामने जब लगाएंगे हम तो ये दूरी टोटल कवर होगी, तो 7 मीटर, ये भी दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 7 मीटर हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को अगर काउंट करना होगा तो आप इधर से 4 मीटर छोड़ा है, इधर ले लिया 4 मीटर छोड़ देंगे,
चार मीटर इधर ले लिया तो बीच में कितना बच जाएगा, आठ मीटर बच जाएगा। तो आठ मीटर चार बारह, चार सोलह, आठ मीटर ये डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, सर्किट वन क्या हो गया हमारा, कंप्लीटेड हो गया। अब सर्किट टू के बीच की दूरी हम क्या करते हैं, निकालते हैं। स्विच बोर्ड टू से इधर के बीच की दूरी निकालिए। स्विच बोर्ड टू से पहले बल्ब के बीच की दूरी, पहले आप बिल्कुल पहले बल्ब पे मत चले जाइए। देखिए जहाँ भी तार की संख्या में परिवर्तन होता है उसके बीच की दूरी हम निकालते हैं। स्विच बोर्ड टू से यहाँ तक के बीच दो, मतलब कि तार के यहाँ से यहाँ तक तारों की संख्या कुछ अलग होगी, यहाँ से यहाँ तक तारों की संख्या कुछ अलग होगी। तो यहाँ से यहाँ के बीच की पहले दूरी निकाल लेते हैं। देखिए चार मीटर पर ये लगाया था तो बचा है डिस्टेंस कितना, चार मीटर बच गया डिस्टेंस। अब दरवाजे को पास करके ये इधर आएंगे तो दरवाजे से कोई अब मतलब नहीं रह जाएगा यहाँ पे। तो चार मीटर ये डिस्टेंस हो जाएगी प्लस। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ है कि दीवार को क्रॉस करके स्विच बोर्ड थ्री को कनेक्शन दिया गया यहाँ पर। तो पहले हम इसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो चार मीटर यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी तो चार मीटर हो गई, लेकिन अब यहाँ पर दीवार क्रॉस कर रहा है तो आपको मालूम है कि साढ़े तीन मीटर पर हॉरिजॉन्टल रन चलता है। दीवार को क्रॉस करने के लिए सीलिंग के पास तक जाते हैं तो आधा मीटर उठेंगे ना, और फिर आधा मीटर नीचे आएंगे तभी ना साढ़े तीन मीटर की ऊंचाई पर आएंगे सीलिंग पर। तो आधा मीटर उठना, आधा मीटर नीचे आना, एक मीटर और तीस सेंटीमीटर की दीवार होती है तो कितना हो गया, एक दशमलव तीन मीटर। यानी कि जहाँ भी दीवार क्रॉस करेगा चार मीटर की सीलिंग की ऊंचाई के लिए एक दशमलव तीन मीटर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो चार मीटर ये हो गया, एक दशमलव तीन मीटर ये हो गया, प्लस ये दरवाजा क्रॉस करने के ठीक बाद बोर्ड लगा है तो एक मीटर का दरवाजा होता है तो कितना हो जाएगा, पाँच एक छः दशमलव तीन मीटर। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, छः दशमलव तीन मीटर। अब यहीं से अब आगे बढ़े, इधर से इसके बीच की, इस बल्ब के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो ये टोटल दूरी है हमारी कितनी, 10 मीटर। ये इसके ठीक सामने बल्ब लगाया गया था, हमने इसको माना था 3 मीटर, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। और इससे इसके बीच की दूरी, तो इससे और इसके बीच की दूरी निकालने से पहले फैन के बीच की दूरी निकाल लीजिए। देखिए ये फैन हमने बिल्कुल बीचों बीच लगाया हुआ है, तो बिल्कुल बीचों बीच लगाएंगे तो 10 मीटर में ये 5 मीटर पर लगेगा। 5 मीटर में जब लगेगा तो 5 मीटर इधर खाली हो जाएगा, 5 मीटर इधर बचा, 3 मीटर कवर हो ही चुका है तो 2 ही मीटर ना बचा। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। ये 2 मीटर फैन तक। अब ये आपका बच गया थोड़ा सा आगे चल के, तो यहाँ इसके ठीक बीच में लगा, इसके सामने लगाया हमने, तो यहाँ से दूरी गिन लो 3 और ये 4, 7 था, 5 इधर कवर हो गया तो 2 मीटर ये बच जाएगा आपका। ठीक है, डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, निकाल लिया हम लोगों ने पूरा डिस्टेंस। अभी इधर का ये स्विच बोर्ड है आपका 3, स्विच बोर्ड 3 है, स्विच बोर्ड 3 की ये डिस्टेंस निकल गई है। ये डिस्टेंस निकालना है, एक मिनट, स्विच बोर्ड 3 में यहीं तक का ये डिस्टेंस थोड़ा सा एडिट करिए। देखिए स्विच बोर्ड 2 से यहाँ तक की ही दूरी निकालेंगे, ये जो डिस्टेंस कवर होगी यहाँ पे कवर होगी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी कितना हो जाएगा आपका, 4 मीटर पर ये लगा हुआ था, यहाँ से 8 मीटर है तो 4 मीटर पर लगा, 4 मीटर खाली है तो केवल ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आगे ऐड होगी ये डिस्टेंस हमने यहाँ पर दिखाया हुआ, तो ये केवल कितना होगा, 4 मीटर के बाद टाइपिंग करके निकाल लिया है ना, तो वो चीज़ को यहाँ पर दिखाया जाएगा 4 मीटर। बाकी ये 3 मीटर रहेगा ही, ये 2 मीटर रहेगा, ये 2 मीटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अब जो डिस्टेंस निकाली जाएगी, अब देखिए ये दरवाज़ा क्रॉस किया है 1 मीटर, प्लस दीवार क्रॉस किया तो 1.3 मीटर। 1.3 मीटर होता कैसे है वो यहाँ पर समझिए, ये सीलिंग की ऊंचाई हो गई, ये आपका क्षैतिज रन की ऊंचाई हो गई, ये मान लो कि रूम क्रॉस कर रहा है तो क्षैतिज रन ऐसे चल रही है तो आधा मीटर ये ऊपर उठेगा, फिर 30 सेंटीमीटर का दीवार क्रॉस करेगा, फिर नीचे आएगा, तो 0.5 ये, 0.5 ये 1 मीटर हो गया ना, 0.3 मीटर ये, तो 1.3 मीटर। फिर आगे जितना जाना होगा वो दूरी बाद में काउंट की जाएगी। तो 1.3 मीटर दीवार क्रॉस करने में और प्लस 1 मीटर ये दरवाज़ा क्रॉस करके इधर आया तो 1 मीटर, यानी कि 2.3 मीटर ये दूरी कितनी हो जाएगी, मीटर। ठीक, अब यहाँ से स्विच बोर्ड 3 से पहले बल्ब के बीच की दूरी, बल्ब कभी भी बीच में लगाते हैं, 4 मीटर का दरवाजा, 4 मीटर का कमरा है, 2 मीटर पर लगेगा, 1 मीटर का ये दरवाज़ा ख़त्म हो गया तो 1 मीटर पंखे इसके बीच की दूरी बच जाएगी। ज़्यादा तेज़ तो नहीं बता रहा हूँ ना, फिर से समझ लो भाई, स्विच बोर्ड 3 हो गया, 4 मीटर का ये रूम है, 1 मीटर कभी भी जो बल्ब लगेगा बीच में लगेगा तो बिल्कुल ये बल्ब कहाँ लगा है, 2 मीटर पर लगा है, तो 2 मीटर में लगा है तो 1 मीटर का ये दरवाजा का दूरी तो पहले ही काउंट कर लिया,
एक मीटर ये कवर, यहाँ से यहाँ तो टोटल दूरी है 2 मीटर है, तो 1 मीटर ये खत्म, तो इधर से यहाँ से दो दूरी बची, एक ही मीटर ना बची, तो 1 मीटर ये हमने दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया, वही चीज़ है। अब पहले इस बल्ब से इस बल्ब के बीच की दूरी निकाल लीजिए, ये 2 मीटर बच गया, 4 मीटर में 2 मीटर इधर कवर कर लिए, तो 2 मीटर ये बचा, और 7 मीटर में ये बीच में लगाएंगे तो 3.5 मीटर, तो 3.5 और 2 कितना हो जाएगा, 5.5 मीटर, ठीक है। अब क्या किया गया कि यहाँ से आगे बढ़े हैं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये चूँकि वहीं पे समझाया था हमने, बनाया नहीं, फिर यहाँ पे समझ लीजिए ये 4 है, अब बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, तो दूरी जब काउंट करेंगे तो 3.5 ये काउंट हो चुका है, ये 3.5 बच गया, अब प्लस ये टोटल रूम है 4 मीटर का है, तो 4 मीटर में ये जो दरवाज़ा है, चूँकि अगर बाथरूम छोटा होता तो हम 0.5 मीटर का दरवाज़ा मानते हैं, लेकिन बड़ा बाथरूम भी अटैच है तो 1 मीटर का ही दरवाज़ा रहेगा इसका, ठीक है। तो 1 मीटर इधर से हमने क्या कर लिया, निकाल लिया ये वाला, तो इधर से हमको 3 मीटर चलना पड़ा है, 3 मीटर ये, अब प्लस ये जो डिस्टेंस है 3.5 मीटर, 3.5 प्लस 3, अब प्लस फिर यहाँ दरवाज़ा क्रॉस किया है तो 1.3, कैसे हुआ था ये चीज़ यहाँ पर आप समझ सकते हैं, तो 7.8 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से इसके बल्ब के बीच की दूरी निकाल दीजिए, तो निकालने के लिए कुछ करना नहीं है आपको, बस ये टोटल डिस्टेंस है 4 मीटर, बीच में बल्ब लगाया है तो 2 मीटर, ठीक है ना, दूरी तो हो गई भैया। अब निकालना है इसके तारों की संख्या, सिंगल लाइन डायग्राम या इंटरनल वायरिंग इतना आसान नहीं है, 100 नंबर का क्वेश्चन में 50 नंबर का आता है इंटरनल वायरिंग, डिप्लोमा के छात्रों के लिए थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में आता है 20 नंबर का, तो करना उतना ही होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा आसान रहता है बस क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। बाकी पंखों के बीच की दूरी निकालनी है, तो पंखों के बीच की दूरी सबके लिए इवन रखा ही हमने, तो एक का निकाल लेंगे तो हो जाएगा सबका। देखिए 16 मीटर का ये है और 10 मीटर का ये है, तो 16 मीटर का है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको एक, तो देखिए यहाँ पर ये दूरी जो है आपकी 4 मीटर है, सॉरी 3 मीटर, और ये जो है डिस्टेंस, ये खाली एरिया, ये 4 मीटर है, फिर ये 3 मीटर है, तो आपको करना क्या है कि ऐसे पंखे लगाने हैं कि वो लड़े नहीं आपस में, उसके ब्लेड्स बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस पंखे को 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखें, तो इन दोनों के बीच में 2 मीटर का गैप बच जाएगा, बहुत प्रॉपर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, 2 मीटर पंखे लड़ेंगे भी नहीं, तो 2 मीटर बच जाएगा, तो यानी कि इस पंखे को, यानी कि लास्ट के जो 2 पंखे हैं उनको 1-1 मीटर की दूरी पर क्या कर सकते हैं, हम स्थापित कर सकते हैं। रही बात इसकी, तो ये टोटल डिस्टेंस है 16 मीटर, तो 2 मीटर अगर हम इधर आते भी हैं तो इस यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, 4 मीटर है, तो 4 मीटर, 2 मीटर आ भी गए तो इन दोनों फैन के बीच में, इनके बीच में 2 मीटर का गैप बच जाएगा, तो ये भी एक प्रॉपर डिस्टेंस है, बढ़िया डिस्टेंस है, तो 2 मीटर इस फैन को चल दीजिए, इसको भी 2 मीटर, इनको 1 मीटर चल दीजिए, इसको भी 1 मीटर चल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से उठाइए स्विच बोर्ड 1 से, पहले पंखे को हमने 1 मीटर चलना है, तो 1 मीटर चलने का मतलब ये है कि देखिए जो छत है, छत में हम क्या करते हैं, ऊपर तक जाते हैं, जैसे ये मान लो कि आपका ये छत हो गया सीलिंग, और ये क्षैतिज रन है, इस पे बल्ब लगाया है, अब बल्ब से जब पंखे को सप्लाई देनी है तो यहाँ से तार यहाँ तक जाएगा, ठीक है, और यहाँ से इधर सीलिंग में 1 मीटर हमको चलना है, ये 0.5 मीटर सब में एक्स्ट्रा ऐड होगा, ठीक है ना, 0.5 मीटर ये सभी फैन में चलना है, प्लस 1-1 मीटर 2-2 मीटर अंदर की तरफ लेकर के चलना है हमको, तो ये 1 मीटर चल रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। दूसरे पंखे को भी हम 2 मीटर चल रहे हैं ना, इसको अभी इन दोनों को हम 2-2 मीटर चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 मीटर प्लस 0.5 मीटर 2.5 मीटर, ये भी हो जाएगा 2.5 मीटर, ये जो दोनों बच रहे हैं लास्ट वाले 1-1 मीटर चलने हैं तो 1.5 मीटर, और ये हो जाएगा कितना 1.5 मीटर, ये पंखा रहा स्विच बोर्ड 2 के साथ जो जुड़ा 1 मीटर चलना है तो 1.5 मीटर, स्विच बोर्ड 2 के साथ जो ये वाला फैन है ये चलेगा 2 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 मीटर, ठीक। अब ये स्विच बोर्ड 3 के साथ जो फैन लगा हुआ है ये इस रूम के हिसाब से चलेगा, इसके हिसाब से अब नहीं चलेगा, इस रूम में 2 मीटर पर हमने लगाया हुआ, चलो वो तो बात अलग है, लेकिन ये चोट है 7 मीटर का रूम लंबाई में, इधर से लगाए हैं बिल्कुल बीच में लगाएंगे तो 3.5 मीटर चलेंगे, और 3.5 मीटर 0.5 मीटर उठेंगे तो कितना हो जाएगा 4 मीटर डिस्टेंस ये हो जाएगी, ठीक है ना, फैन का क्या हो गया, सारा डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया।
अब रही बात दूरी निकालने की, तो दूरी तो हम लोगों ने निकाल ली, तार की संख्या अब हमको क्या करनी है, निकालनी है। तो तार की संख्या निकालने के लिए अब आपको इस प्लान की जरूरत नहीं है, सिंगल लाइन डायग्राम से ही और उपकरणों को देख के ही आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो प्लान मिटा देते हैं, थोड़ा सा जो फिगर गंदा दिख रहा था वो आपको अब बिल्कुल क्लीन दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ तक दो मीटर का डिस्टेंस था। अब तार की संख्या निकालनी है, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से दो तार इधर जाने हैं, दो तार इधर जाने हैं, तो यहाँ पे टोटल तारों की संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। दिखाने का तरीका मालूम होना चाहिए, एक तार है, दो तार है या तीन तार है तो ऐसे दिखाते हैं, और मोर देन थ्री वायर हैं तो चार पाँच छः ऐसे एन दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार तार है, दो तार इधर जाएगा, दो तार इधर जाएगा, दो सर्किट है तो चार तार होंगे, ठीक है। तो चार तार को ऐसे दिखा देंगे, दो तार इधर जाने हैं, दो तार इधर जाने हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी समझनी है, यहीं पर चीज़ें समझिए, आगे वाले क्वेश्चन में बहुत आसानी होगी। मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन और, ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसीलिए मैं तेज़ी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आसानी से समझिए। ये जो दो आपका जा रहा है तार, ये सॉकेट तो लगा नहीं है इसमें, केवल फेज वायर एंट्री करेगा, केवल फेज एंट्री करेगा। और प्लस ये चीज़ें बार बार आपको कही जा रही हैं कि जितना इक्विपमेंट किसी बोर्ड से कंट्रोल करना होता है उतना स्विच लगाते हैं और उतना तार बाहर निकलता है। तो इसके साथ दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, इसी बोर्ड से दस जो इक्विपमेंट है वो हमको कंट्रोल करने हैं, दस, तो दस तार क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। तो एक फेज वायर एंट्री किया, दस तार क्या हुए, बाहर निकले, तो दस प्लस एक कितना हो जाएगा, ग्यारह तार हो जाएंगे, ठीक है ना जी। अब ग्यारह तार में इधर से क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब क्या है कि इधर कितने तारों की संख्या होगी, पकड़ लीजिए इधर कोने से, पंखे में कितना तार जाएगा, दो तार, यहाँ पे दिखा दीजिए कोने से, आसान होता है बिल्कुल, दो तार इधर चला जाएगा। यहाँ पर इस सेक्शन में जो आठ मीटर का सेक्शन है, यहाँ पर तारों की संख्या कितनी होगी, तो एक फेज वायर इसे का, एक फेज वायर इसे का, एक न्यूट्रल वायर कितना हो जाएगा, तीन तार हो जाएंगे। पीछे बढ़ते चले जाएंगे ना, तारों की संख्या बढ़ती जाएगी, आगे जाएंगे वैसे वैसे इक्विपमेंट घटते जा रहा है ना, इधर अब छूटते जा रहा है, आगे तारों की संख्या घटती जाएगी। सभी फैन में कितना हो जाएगा, दो दो हो जाएगा, सभी फैन में जो किसी इक्विपमेंट के साथ, बल्ब वगैरह के साथ कंट्रोल वो किया गया, लूप किया गया, उस सभी में दो होगा। अगर लूप नहीं किया गया तो तारों की संख्या दो से अधिक भी हो सकती है, तीन हो सकती है अगर न्यूट्रल लूप किया गया है तो। अब इस सेक्शन में देखिए कितने तार होंगे, एक दो तीन चार फेज वायर, एक न्यूट्रल, पांच हो जाएंगे। इस सेक्शन में आइए, दो दो चार दो छः इक्विपमेंट और एक न्यूट्रल, सात। इस सेक्शन में आइए यहाँ पर, तो दो दो चार दो छः दो आठ और एक न्यूट्रल, नौ हो जाएगा। इधर के लिए हमने दो निकाल ही दिया, दस ग्यारह हो ही गया यहाँ पर। इस प्रकार से इधर का सेक्शन क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आ गया ये इधर स्विच बोर्ड टू पे आइए, स्विच बोर्ड टू से कितना तार एंट्री करेगा। पहले तो जो दो तार आया, दो तार में फेज न्यूट्रल दोनों हैं, एक एंट्री करेगा, प्लस एक एंट्री किया, जितना इक्विपमेंट कंट्रोल करना होता है उतना फेज वायर बाहर निकलता है। एक दो तीन चार पाँच इसके साथ कंट्रोल करना है स्विच बोर्ड टू से, तो पाँच बाहर निकलेगा, प्लस इसी से फेज वायर क्या करना है, आगे लेके भी तो जाना है स्विच बोर्ड थ्री को, तो एक फेज वायर एक्स्ट्रा निकलेगा। अगर इसी बोर्ड से किसी एक अगले बोर्ड को क्या करना है, सप्लाई देना होता है, तो उसको क्या कर देते हैं, एक फेज वायर एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, तो टोटल तारों की संख्या कितनी हो जाएगी, सात हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आइए, यहाँ पर अब इसका तो फेज वायर इधर, दोनों का फेज वायर रुक जाएगा। अब इधर एक दो तीन फेज वायर, प्लस इसका एक फेज वायर, चार, एक न्यूट्रल, कितना हो जाएगा, पाँच, पाँच तार यहाँ पे हो जाएंगे। इधर आइए, दो तार यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पर आइए, फेज जाएगा, न्यूट्रल जाएगा, आईसी का न्यूट्रल लूप करके इधर भी लेके आएंगे, तो कितना तार हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। इसी पंखे से हमको लूप करके आगे इस बल्ब को सप्लाई देनी है। यहाँ पे तार की संख्या कितनी होगी, एक दो तीन फेज वायर, एक न्यूट्रल वायर जो इसको जा रहा है, चार तार हो जाएंगे। प्लस बात और ध्यान रखिएगा कि इसके न्यूट्रल को ले देने के लिए हम इसी बल्ब से लूप करके फिर क्या करेंगे, लेकर के आएंगे। तो एक दो तीन फेज वायर, एक न्यूट्रल जो जा रहा है, चार, एक जो न्यूट्रल आएगा वो क्या इतना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। और फिर यहाँ पे फेज और न्यूट्रल दो आएंगे, बस लूप करके जो लेके आ रहे हैं एक न्यूट्रल और जो फेज इसके साथ निकल कर लेके आए थे वो फेज इधर आ जाएगा। केवल फेज एंट्री करेगा, केवल फेज एंट्री करेगा, निकलेंगे तार कितने, जितने इक्विपमेंट होते हैं, एक दो तीन
चार इक्विपमेंट है तो चार निकलेंगे, एक एंट्री किया कितना हो गया, पाँच हो गया, दिखा दिया हमने। इधर आइए आप, कोने से पकड़ लीजिए, एक मिनट, स्विच बोर्ड थ्री से स्विच बोर्ड फोर को कनेक्शन दिया गया ना, ये स्विच बोर्ड फोर बीच में लगा, ध्यान नहीं दिया मैंने। दो तार आएंगे फेज और न्यूट्रल, इसके साथ इक्विपमेंट कितने हैं, एक दो तीन, इसके साथ कंट्रोल करने हैं, ठीक है। तो तीन कंट्रोल करने के लिए एक एंट्री किया, एक एंट्री किया, तीन कंट्रोल करना है, चार प्लस एक इस बोर्ड को भी लेकर जाना है, तो पाँच तारों की संख्या पाँच ही होगी, समझाने का तरीका दूसरा था हमारा। तो तार की संख्या कितनी होगी, पाँच होगी। यहाँ पे आइए, तार कितने हो जाएंगे, एक दो तीन चार, सॉरी एक दो तीन फेज वायर, एक न्यूट्रल वायर चार, और एक इस बोर्ड को लेकर जाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, पाँचों के पाँचों तार इधर आएंगे, दो तार इधर चला गया। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, एक फेज इसका, एक फेज इसका दो, एक न्यूट्रल वायर तीन हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, फेज एंट्री किया और फेज बाहर निकला, तो कितना हो जाएगा, दो। यहाँ भी फेज और न्यूट्रल दो हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी भी बोर्ड के एंट्री पॉइंट पर तारों की संख्या हमेशा दो होती है। इसके एंट्री पॉइंट पर देख लीजिए दो, 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 ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, सिंगल लाइन डायग्राम प्लान हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। अब देखिए, इसी सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से हम क्या करते हैं कि तार की और कॉन्ड्यूट की लंबाई निकालते हैं, और कितना लंबा लगेगा, कितना मतलब कि मीटर तार लगेगा, कितना मीटर कॉन्ड्यूट लगेगा, उसको काउंट किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि देखिए, ये चार मीटर की डिस्टेंस में दो तार चला हुआ है, तो तार कितना लगेगा, आठ मीटर, और कॉन्ड्यूट कितना लगेगा, चार मीटर, ठीक है ना। तो तारों की संख्या निकालने का मेन रीजन यही होता है कि जैसे ये सात मीटर की दूरी तक नौ तार चला है, तो जैसे मान लो कि आपका ये डिस्टेंस कितना हो गया, एक मीटर है, कितना डिस्टेंस है, एक मीटर। अब इस एक मीटर की दूरी में दो तार लेके जाएं तो टोटल तार आपके कितने लगेंगे, दो मीटर। अगर पाँच तार लेके जाएं तो पाँच मीटर, यानी कि दूरी से तार की संख्या गुणा कराते हैं तो टोटल संख्या लंबाई निकलेगी तार की। तो दूरी है सात मीटर, तार है नौ, तो नौ सात है 63 मीटर, यहाँ पे तार लग जाएगा। इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि आपके कंड्यूट की और तार की लंबाई निकाली जा सके। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपका प्लान और सिंगल लाइन डायग्राम। बाकी अगले वीडियो में ये ध्यान रखे रहिएगा, सिंगल लाइन डायग्राम इसी की सहायता से हम निकालेंगे कंड्यूट की और तार की लंबाई। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।